सबका हर बंदे का होता है, बड़े बड़े काम का। मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, छोटा थिएटर बुक दिल्ली से मैंने 2 साल वहाँ थिएटर किया। उसके बाद मैंने ऊपर टू के लिए 2 साल की मैं करूँगा, 2 साल और लास्ट आप ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े फिल्मों में करने जा रहे हैं सर। साथ में राइटर आप करेक्टर डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन जस्ट अब स्टार्ट कर रहे हैं और स्क्रिप्ट के हिसाब से जैसा भी मेरा रोल अच्छा बने उस हिसाब से। किस तरह से सर ने आपसे कॉन्टैक्ट किया कुछ बताना चाहिए? मेरा दोस्त जो उसमें पूरा लाइफ में सपोर्ट करा वो है मेरे दोस्त, उनकी रेफरेंस से सर से मिला, फिर हमारा इस हिसाब से मिला है। आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी? जिम्मेदारी सबसे बड़ी हमारे यही है कि कैसे हम हैंडल करें पूरी टीम को और अच्छी से अच्छी प्रोजेक्ट तो हमारी बहुत ही बढ़िया है। हालांकि अभी राइटर और डायरेक्टर ने परमिशन नहीं दिया है, क्योंकि पहले एक एक लाइन बहुत ही बढ़िया और हमको उसने इसको बनाना स्टॉप करता और रांची शूट करने के लिए जो हमारे हिल स्टेशन है नेचर हाट में, तो हम वहाँ पे जाएंगे, लोकेशन पे शूट करेंगे। बेहतर कास्टिंग की तलाश के लिए हम दिल्ली, हरियाणा और रांची इन जगह पे जाने के अभी हमने डिसाइड किया। मुंबई में नहीं होगा ऑडिशन? मुंबई में मैं रख रहा हूँ, मुंबई अंधेरी में 5 दिन की ऑडिशन है। बिकॉज हम नए लड़की को भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मुझे पता है कि कॉर्पोरेट सब सेलिब्रिटी को ही, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट नहीं, कोई मेरा हीरो हीरो नहीं। 6-7 लोग हैं, लेकिन अभी ऐसा करते चीज़ें हैं कि लोग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मानती है, तो कामिस्ट्री के हिसाब से हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर चल रहे हैं कि नहीं आज सिर्फ पोस्टर ही मुहूर्त करनी है, तो मैं बाकी तो नहीं बता सकता अभी, लेकिन हम जाने पहचाने मुहूर्त की 20-25 चेहरे हैं जो टी वी फिल्म का जो पोस्टर दिखाई दे रहा है, जो पीछे दिखाई दे रहा है, आइटम गर्ल की तरह दिखाई दे रहा है। नहीं, ये आपको लग रहा है आइटम गर्ल की तरह, आपकी फोटो बिल्कुल गलत है, एक कहीं सही आइटम गर्ल की तरह। एक ऐसी लड़की जो है ना, जो आप शादी के टाइम पे भी अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हो किसी तरह से, सपोज दैट कि आप देख लो कि कोई समाज में उनसे दहेज लोग मांगते हैं, ये करते हैं, टीवी चाहिए, खाना चाहिए, ठीक है, तो उस टाइम वो लड़की लड़ सकती है, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं है कि वो लग रहा है कि तमंचे वाली, हमारे ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। और रही बात की यार फिल्म तो 3 चीज़ों से चलती है, जैसे कि एकता कपूर ने कही एंटरटेनमेंट वो तो देना ज़रूरी है ही, ठीक है ना, वो देंगे हम भी। विद्या बालन तो एक्टिंग की थी, हम अभी जो भी डायलॉग बोलेंगे मैं अपना थोड़ी नहीं बोलूँगा, राइटर कहीं ना कहीं हम कॉपी तो कब तक लेकिन 30-40 दिन और उसके बाद मार्च तक हमारा रिलीज कर मिले थे।